तो केमिस्ट्री से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज हम देखेंगे कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और एक विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे ज़्यादा ये बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ये ज़िंदगी भर हमको गलत पढ़ाया जाता है कि वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल होता है, ये अधूरी बात है। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि ये अधूरी बात कैसे है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब हमको वैलेंसी कैलकुलेट करनी होती है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर आउटर मोस्ट शेल में एन एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार से कम है या चार के बराबर है, और वैलेंसी होती है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। आइए कुछ एलिमेंट्स, हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इनकी आउटर मोस्ट शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम में दो, बोरॉन में तीन, कार्बन में चार, इसी तरीके से 5, 6, 7 और 8। अब आइए देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैलेंसी हमने अभी देखा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार से कम है तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगी जो आउटर मोस्ट शेल में है। तो इनकी वैलेंसी लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4। अब देखिए आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है चार से ज़्यादा है तो इसका मतलब 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3, 2, 1, 8 माइनस 5, 3, 8 माइनस 6, 2, 8 माइनस 7, 1 और 8 माइनस 8 = 0, इस तरीके से यहाँ पर वैलेंसी आएगी। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हाइड्राइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि इसके हाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है हमारे पास 1, और इन एलिमेंट्स में सबकी वैलेंसी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि इसकी वैलेंसी है ए, ये कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, इसकी वैलेंसी है ए, तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा। अब वैलेंसीज जो होती हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं और हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। जब वैलेंसीज हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा XHA, जहाँ पर A जो है वो वैलेंसी है X की और H की वैलेंसी होती है 1, तो इसीलिए X के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो XHA जो भी होगा वो यहाँ पर इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा XH। अब लिथियम हाइड्राइड का अगर फॉर्मूला बनाएं तो क्या आएगा, LiH, लिथियम की वैलेंसी 1 है। इसी तरीके से बेरिलियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाएं तो BeH2, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी 2 है। बोरॉन के हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाएं तो आएगा BH3, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 है। इसी तरीके से कार्बन CH4, NH3, और ऑक्सीजन का बनेगा OH2, जिसको हम बोलते हैं H2O सीधे टर्म्स में। अब फ्लोरीन का बनाएं FH, और नियॉन की वैलेंसी 0 है तो इसका कोई भी हाइड्राइड यहाँ पर नहीं बनेगा ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं। जब भी हम हाइड्राइड लेते हैं तो हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है हाइड्राइड की, और ऊपर से नीचे आने पर यानी कि ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है दोनों केसेस में। तो हाइड्राइड में चाहे लेफ्ट टू राइट जाएं या ऊपर से नीचे आएं, दोनों ही केस में जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। अब हमसे यहाँ पर एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विच इज़ मोर एसिडिक, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा।
हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं H2O, CH4, NH3 और BeH2। अब ऊपर यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा राइट में जो होगा, सबसे ज़्यादा राइट में है H2O, तो इसका करेक्ट आंसर है H2O। आइए अब एक दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, हम अप टू डाउन देख लेते हैं, टॉप टू बॉटम देख लेते हैं। हम एक एल्कली अर्थ मेटल का ग्रुप ले लेते हैं, इसके हाइड्राइड्स ये रहे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर। अब यहाँ पर मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ लीस्ट एसिडिक, अगर हमसे इनमें से पूछा जाए विच इज़ लीस्ट एसिडिक, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले की देखा कि टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है और ऊपर जो है वो सबसे कम एसिडिक है। तो इसका आंसर होगा LiH, यानी कि सबसे ऊपर है LiH, तो इसलिए ये लीस्ट एसिडिक होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो भी वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल के बराबर होती है। यही बात हमें आधी अधूरी बताई जाती है वैलेंसी के फॉर्म में, जबकि वैलेंसी को दो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। अब पहले ही वाले एलिमेंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं पाई जाती है, इसलिए हम उसके एक नीचे वाले ग्रुप में के एलिमेंट ले लेते हैं, नीचे वाले पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं। अब इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, ऐसे 4, 5, 6, 7, और इनकी वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी इनकी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इनकी वैलेंसी वही होगी जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1, 2, 3, 4 और 7। अब ऑक्सीजन से क्या बनता है, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से मिलता है तो बनाता है ऑक्साइड। तो अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं ऑक्साइड के फॉर्मूला कैलकुलेट करने में। ऑक्सीजन की जो भी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और कोई भी एलिमेंट है उसकी हम अगर मान ले, कोई भी एलिमेंट हमने एक्स लिया है तो उसकी वैलेंसी है ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा X2O A। तो ये होगा इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला, जो भी ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जहाँ पर X2O A। अब सोडियम में हम यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम की वैलेंसी है 1, यानी कि Na2O और 1। O में अब नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ओ में, ओ के लिए 1। इसी तरीके से Mg के लिए होगा Mg2O2, Mg2O2, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में हम MgO भी लिख सकते हैं। एल्युमिनियम के लिए होगा Al2O3, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू यानी वैलेंसी यहाँ पर है 3। सिलिकॉन के लिए इसी तरीके से होगा Si2O4, और फॉस्फोरस के लिए होगा P2O5, सल्फर के लिए होगा यहाँ पर S2O6, ऑक्सीजन यहाँ पर 6। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो SO3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके से सिलिकन को भी अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो SiO2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का आएगा Cl2O7, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो है 7, A की वैल्यू क्या है 7। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने ऑक्साइड्स के इनका फॉर्मूला देखा। अब ऑक्साइड जो होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये भी इंक्रीज होती है, इनकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज होती है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घट रही होती है। कई बार हमसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑन गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, जो ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है, और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ जो भी होगी वो बढ़ेगी या इंक्रीज होगी, बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ मोर एसिडिक, कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अभी यही जो हमने सॉल्व किया है इसी से देखते हैं ऑप्शंस, SO3, SiO2, Al2O3 या फिर Na2O। अब यहाँ पर हम इसकी मदद से देखेंगे, जो अभी हमने ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया इसकी मदद से देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, आप टेबल देख करके देखिए, SO3, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा राइट में आ रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब सेम क्वेश्चन जो है बदल दिया हमने सेम सेम ऑप्शंस के साथ में, कि विच इज़ मोर बेसिक, सबसे ज़्यादा इनमें से बेसिक कौन सा होगा। ऑप्शन हम सेम रखते हैं और अब हमने यहाँ पर पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा,
तो आप देख करके बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा Na2O। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।